बस क्या हाल चाल है? ठीक है, अल्लाह पाक आपको खुश रखे, शादोबाद रखे, आमीन। आज मैं बना रही हूँ मूंग की दाल भुनी हुई, ठीक है जी। और ये मैं शुरू करती हूँ, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये ऑयल गरम किया मैंने और ये इसमें मैं प्याज डालने लगी, ठीक है। ये प्याज थोड़ा सा ब्राउन होगा, लाइट ब्राउन होगा, तो मैं इसमें अदरक लहसुन डाल दूँगी। अदरक लहसुन का ये पेस्ट है, ये डाल दूँगी। फिर इसके बाद मैं इसमें मिर्चें, नमक और हल्दी डालूँगी, ठीक है। बिल्कुल सिंपल सी दाल है, जल्दी से बन जाती है, झटपट बन जाती है। ये मैंने दाल को, ये देखिए मैंने दाल को भिगो के रखा हुआ था, अब ये काफ़ी बीत चुकी है, अब मैं इसमें बनाती हूँ। ये प्याज जो है हल्का सा ब्राउन हो गया अपना प्याज, अब मैं इसमें ये डालूंगी अदरक लहसुन का पेस्ट। ये देखिए अदरक लहसुन का पेस्ट डालूंगी इसमें। इसको मैं थोड़ी देर भूनूंगी, इसका कच्चापन खत्म हो गया। अब इसमें मैं थोड़ा सा पहले इसको भूनूंगी, फिर पानी डालूंगी। पहले मैं इसको थोड़ा सा भूनूंगी, फिर इसमें मैं पानी डालूंगी, ठीक है जी। ये व्यूअर्स देखें, ये थोड़ा सा मैं पानी डालूंगी, बिल्कुल थोड़ा सा। ये मैंने नमक लिया है 1 चम्मच, ये 1.5 चम्मच मिर्चें लिए लाल, और ये 1/2 चम्मच हल्दी ली, बस सिर्फ ये डालना। टमाटर बिल्कुल नहीं इसमें डालना आपने, ये देखिए बड़ी मज़े की बनेगी। ये देखिए अदरक लहसुन थोड़ा सा भून गया, अब मैं इसमें ये नमक मिर्च डालती हूँ। थोड़ा सा मैं इसे पकाऊंगी, भूनूंगी अच्छी तरह। व्यूअर्स ये मैं दाल डालने लगी, ये मैं दाल डाल दी इसमें। थोड़ा सा मैं पानी डालूंगी और हल्की आंच में पकाने के लिए रख लूंगी, क्योंकि ये दाल जो है जल्दी गल जाती है, ठीक है, ये जल्दी गल जाती है, तो इसके लिए इसको थोड़ा सा पानी डाल के फिर पकाने के लिए रख दूंगी, ठीक है जी। ये देखिए, ये देखिए इसमें मैंने कोई टमाटर नहीं डाला, कुछ नहीं डाला, सिर्फ और सिर्फ मैंने अदरक लहसुन का पेस्ट डाला और नमक डाला, वो लाल मिर्चें, नमक और हल्दी डाल दिए, ठीक है जी। ये देखिए ये मैंने बनाने के लिए, बस इतना ही पानी इसके लिए बहुत है। ये मैंने इसके ऊपर ये ढक्कन दे दिए, ठीक है। अब 10 मिनट तक मैं इसको पकाऊंगी, फिर मैं इंशाल्लाह डिश आउट करके आपको दिखाऊंगी। जो ऑयल है ये पानी खुश्क हो गया इसमें, ये देखिए ये पक गया, बिल्कुल तैयार हो गया। अब मैं इसका चूल्हा बंद कर दूँगी, और ये मैंने ऑयल लिया है तड़के के लिए। ये थोड़ा सा ऑयल गर्म होता है तो फिर मैं इसमें ये लाल मिर्ची डालूंगी और ये कड़ी पत्ता डालूंगी, ठीक है जी। थोड़ी सी अदरक डालूंगी, ये देखिए अदरक जैसे ही हल्की सी ब्राउन होती है तो फिर मैं इसका तड़का सा लगा दूंगी, ठीक है जी। इसमें डाल दो, ये बिगड़ देखिए, ये तड़का मैं लगा रही हूँ, ये मैंने तड़का लगा दिया।
ये मैं इसमें डिश आउट करती हूँ, ये मैंने कढ़ाई ली है, इसमें मैं डिश आउट करती हूँ। बिस्मिल्लाह। व्यूअर्स, ये था हमारा आज का व्लॉग। आज हमने बनाई हुई है भुनी मूंग की दाल, आप भी ज़रूर बनाइएगा, ज़रूर ट्राई कीजिएगा, अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। जी व्यूअर्स, ये था आज का हमारा व्लॉग। आज हमने बनाया भुनी मूंग की दाल, ये एक वीगन रेसिपी है, आप इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा। हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कीजिएगा। अपनी दुआओं में याद रखिएगा, बहुत ज़्यादा प्यार के साथ, अल्लाह ने के बाद।